सो गाइस, तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप लोग बहुत ज्यादा मस्त एंड बहुत ज्यादा हैप्पी होंगे। एंड गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको ऐसा फोटो एडिटिंग करके सिखाने वाला हूँ गाइस, ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगा फेस को करना एज स्मूथ एंड फेस को करना व्हाइट एंड लिप्स को करना रेड एंड बैकग्राउंड को करना कुछ इस टाइप से एडिट गाइस। और यहाँ पे गाइस देख लीजिए, ये नॉर्मल फोटो है गाइस। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फेस के ऊपर बहुत सारा पिंपल एंड दाना है गाइस, देख सकते हैं लाइव रूप, ठीक है। और मैंने इसी फोटो को यहां पे एडिट किया हूं, तो आप चाहे फोटो को कितना भी जूम क्यों ना कर ले, आपको एक भी पिंपल एंड दाना दिखने को गाइस नहीं मिलेगा। और यहां पे गाइस, अगर आपको सीखना है क्लियरली ऐसा एडिटिंग फेस को करना है स्मूथ एंड व्हाइट, तो वीडियो को आप कहीं पे भी स्किप आप लोग नहीं करते, तो ऐसा एडिटिंग आपको बहुत ही कम टाइम में सिखा दूंगा। और इससे पहले मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लिए वीडियो को शुरू एंड करते गाइस स्टार्ट। तो आ जाएंगे नॉर्मल फोटो पे। इसके बाद गाइस क्या करेंगे, हम लोग कर देंगे नीचे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक, ठीक है। तो इसके बाद फोटो को मैं कर दूंगा एस सबसिट ऐप के अंदर शेयर, ठीक है। तो मेरा फोटो गाइस आ चुका है। और सिंपली आपको सबसे आसान तरीका आज बताने वाला हूँ, वीडियो को कहीं पे भी स्किप आप लोग नहीं कीजिएगा, आपको कर देना होगा टूल्स वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक। और इसके बाद क्या करना होगा, आपको कर देना होगा टून इमेज वाले ऑप्शन पे गाइस एक बार क्लिक, ठीक है। आपको सब कुछ बताएंगे एक एक स्टेप में, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सेचुएशन पे आना होगा। इसको आप लोग कर लीजिएगा 50 से 52 चलेगा, इसको मैं 50 कर लिया हूँ। और एम्बिनेंस भी आ जाऊंगा, इसको भी मैं 15 कर दूंगा, 51-52 चलेगा। हाईलाइट पे आएंगे, इसको कर देंगे पूरा 100 माइनस। नीचे शैडो पे जाएंगे, शैडो को भी कर लेंगे 15+49-50, मतलब इसको देख लेते हैं अच्छे से करके, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ 50, ठीक है। इसके नीचे आएंगे और इसको हम लोग यहाँ से कर देंगे मान के लिए 30+, ठीक है। तो अगर आपको देखना है तो सारा सेटिंग यहाँ पे गाइस, अगर आप लोग चाहते तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एडिटिंग में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और फोटो को कर लीजिएगा आप लोग डन। इसके बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली गाइस फोटो को कर देना होगा शेयर, ठीक है। सबसे आसान तरीके में, अगर आज आपको एडिटिंग नहीं सिखाया ना, तो मेरे वीडियो को आप लोग कभी भी नहीं देखिएगा। और आइएगा आप लोग लाइटरूम ऐप के अंदर अपने फोटो को लेकर, ठीक है। तो आपका फोटो जैसे ही लाइटरूम ऐप के अंदर इंपोर्ट होगा ना, तो आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन मिलेगा, तो इस पर आप लोग कर लीजिएगा एक बार क्लिक गाइस। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक प्रीसेट बनाया हूँ, एंड यहाँ पे मेरा नॉर्मल फोटो है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि सुबह से ना हमको लाइटरूम ऐप के अंदर फोटो को अच्छे से एडिट नहीं करने आता है, तो बस इस प्रीसेट को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इसको कैसे कैसे फोटो पे अप्लाई करना है सीख लीजिए। तो आपको आना होगा 3 डॉट वाले ऑप्शन पे, ठीक है। और आपको कर देना होगा यहाँ पे कॉपी सेटिंग वाले ऑप्शन पे एक बार गाइस क्लिक, ठीक है। और इसके बाद जो यहाँ पे ये दो ऑप्शन है, तो इस दोनों को हम लोग टिक कर देंगे यहाँ से, मतलब सही करके, और कर लेंगे फोटो को सही, ठीक है। और यहाँ पे हटा देंगे। और गाइस मान के चलिए ये मेरा फोटो है एंड आपका फोटो हो, किसी का भी फोटो क्यों ना हो, इसको कैसे अप्लाई करना है, तो सिंपली 3 डॉट वाले ऑप्शन पर आप लोग आइएगा। और इसके बाद ना गाइस आपको कर देना होगा यहाँ से पेस्ट सेटिंग, 1 क्लिक में फोटो एडिट होगा। अगर नहीं होगा ना, तो मेरे वीडियो को आप लोग कभी भी नहीं देखिएगा। तो गाइस देख सकते हैं कि 1 क्लिक के अंदर आपका भाई का फोटो कितना फारू सा एडिट हुआ है एंड फोटो दिखने में कितना बवाल लग रहा है गाइस। आप लोग स्क्रीन के ऊपर फोटो को देख सकते हैं एंड फोटो को यहाँ पे समझ सकते हैं। एंड गाइस इसके बाद आपको क्या करना होगा, सबसे आसान तरीका आज की वीडियो में, ठीक है। इस वाले फोटो को सिंपली आप लोग ओपन मतलब शेयर कर लीजिएगा यहाँ से, फिर से स्नैपशीट ऐप के अंदर, ठीक है। तो मैं सिंपली ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट तो मैं आपको सिखा दूंगा लिप्स को करके, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली गाइस आपको करना क्या होगा, आपको आना होगा नीचे टूल्स वाले ऑप्शन पे, ठीक है। टूल्स पे क्लिक करके एंड गाइस मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे के करीब आता हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे व्हाइट बैलेंस, ठीक है। व्हाइट बैलेंस यहाँ पे आपको मिलेगा मतलब कोने में, ठीक है। तो इस पर ग्लीस आप लोग क्लिक कर लीजिएगा और इसको आप लोग कर लीजिएगा फ्रेश तरीके से 100+। इसके नीचे वाले ऑप्शन पे आइएगा, इसको भी कर लीजिएगा इस तरीके से प्लस, और फोटो को कर लीजिएगा आप लोग डन, ठीक है। इसके बाद ना गाइस आपको कर देना होगा ऊपर 3 वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक, ठीक है। और इसके बाद आपको आना होगा यहाँ पे व्यू एडिट वाले ऑप्शन पर, तो मैं क्लिक कर दूंगा और मैं यहाँ पे व्हाइट बैलेंस पर क्लिक करके और ब्रश पर कर दूंगा क्लिक।
लिप्स, ठीक है। तो फोटो को अब आपको कर देना होगा जूम इस तरीके से, और ऐसे ऐसे लिप्स के ऊपर कलर्स को अप्लाई कर लीजिएगा। आपका जो गाइस लिप्स होगा वो बहुत ज़्यादा फारू सा दिखेगा, ठीक है। तो बहुत सारे भाई हमको क्या बोलते हैं ना कि सुबह सुबह हमको एडिटिंग सिखाता कोई अच्छे तरीके से नहीं है, इसी कारण से हम अपने नए एडिटिंग कर पाते हैं फेस को स्मूथ एंड वाइट। तो गाइस आज अपने भाई के वीडियो में आए हैं। अगर आप लोग वीडियो को आप कहीं पर भी आज नहीं छोड़ते हैं ना, तो मैं आपको एडिटिंग बहुत आसान तरीके में सिखाऊंगा, ये मैं आप लोगों से गारंटी ले सकता हूं, ठीक है। तो कहीं पे वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो गाइस आप लोग देखते हैं कि आपका भाई का लिप्स कितना बवाल तरीके से रेड हो चुका है। इसके बाद फोटो को कर लीजिएगा डन, और यहां पे गाइस मैं आपको बताता हूं, यहां पे सॉरी गाइस फोटो को यहां से हम लोग बैक कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे फोटो ऐसा तो बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब आपको फेस को स्मूथ करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आता है स्केटुक ऐप के अंदर, ठीक है। तो मैं सोचा क्यों नहीं आपको मैं सबसेट ऐप के अंदर सिखा दूं, जिसके मदद से आप लोग अच्छे तरीके से फोटो को एडिट कर ले। तो इसके लिए सिंपली आपको नीचे कर देना होगा टूल्स वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक, ठीक है। और ना गाइस आपको क्या करना होगा, लेंस ब्लर वाले ऑप्शन पे ना एक बार आपको कर देना होगा क्लिक। तो मैं इस पे सॉरी गाइस मैं इस पे कर दूंगा क्लिक, ठीक है। इसके बाद मैं इसको ऐसे जीरो करूंगा, ऐसे जीरो करूंगा और इसको यहाँ पे रख लूंगा, सॉरी गाइस यहाँ पे रखेंगे और इसको कर देंगे हम लोग 15+ इस तरीके से, और इसके नीचे वाले ऑप्शन पे आएंगे और इसको कर देंगे जीरो, इसके नीचे वाले ऑप्शन पे आएंगे इसको भी कर देंगे जीरो। तो यहाँ पे जो भी मतलब यहाँ पे ब्लर स्ट्रेन है इसको आप लोग 15 के जगह और सारे को मतलब माइनस माइनस कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे फिर से देख लीजिए 00 है, ठीक है। तो 00 आप भी करके और फोटो को डन कर लीजिएगा, ठीक है। तो फोटो को मैं इस तरीके से मैं छोटा कर लेता हूँ। तो अभी आपको गाइस करना क्या होगा, आपको आना होगा ऊपर तीर वाले ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। एंड गाइस इसके बाद आपको कर देना होगा अब ह्यू एडिट वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक। तो इस पे मैं क्लिक करके और लेंस ब्लर पे क्लिक करके और ब्रश पे मैं कर दूंगा क्लिक। तो इतना काम तो आप लोग कर सकते हैं आसान तरीके में। फोटो को ऐसे आप लोग जूम कीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पे ब्लैक पार्ट है। तो ऐसे ऐसे अगर आप लोग ब्रश को अप्लाई करेंगे ऐसे ऐसे आपको लोग देख लीजिए लाइव प्रूफ, कोई भी चीज़ फेक नहीं है गाइस, ठीक है। तो बहुत सारे भाई को दिक्कत होता है स्केटुक ऐप के अंदर फेस को करने में स्मूथ, तो क्यों नहीं सोचे कि आज आप लोगों के लिए ऐसा ट्रिक लेकर आऊँ जिसके मदद से ना आप लोग अपने फोटो को अच्छे तरीके से स्मूथ कर ले एंड व्हाइट कर ले, ठीक है। तो आपको सबसे आसान तरीका इस वाले वीडियो के अंदर बताया हूं। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा इस, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। और इसके बाद गाइस और भी अच्छा अच्छा ट्रिक आपको बताऊंगा, मेरे चैनल को आप लोग कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों को एडिटिंग का मास्टर मैं बना दूंगा, ठीक है। तो फाइनली गाइस आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि कितना बेस्ट यहाँ पे मतलब हो रहा है फेस स्मूथ, ठीक है। आपको यहाँ पे भी करना होगा, तो ऐसे ऐसे अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो ऐसे ऐसे आप लोग आराम से कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मतलब आपको झटके में आप लोग कर सकते हैं 1 झटके में, ठीक है। जल्दी से आप लोग वीडियो को देखिए एंड जल्दी से एडिटिंग आप लोग सीख जाइए, एंड बहुत ही आसान तरीके में ऐसा एडिटिंग आपको मैं आज सिखा दूंगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसे फेस को आप लोगों को स्मूथ करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं स्किन के ऊपर। एंड गाइस मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस बार वीडियो को समझ गए, फिर से मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए इतना ही, और इसी तरीके से आप अपने फेस को कर लीजिएगा स्मूथ अब ब्रश को अप्लाई कर करके।